बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग, नहीं बल्कि वेलकम टू ट्रैवलिंग व्लॉग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची से सेवन शरीफ, और काफ़ी टाइम के बाद ये टूर हमारा हो रहा है। लास्ट तकरीबन कोई डेढ़ साल पहले गए थे, अभी गया था बट इतना ज़्यादा वहाँ से नहीं कर सके थे। अब इंशाल्लाह जा रहे हैं और उम्मीद है कि नाइट हम वहीं पर स्टे करेंगे और सेवन शहर का पूरा विज़िट करवाएंगे आपको। करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। चलें जी, यहाँ से करते हैं हम अपने सफ़र का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रिफ्यूलिंग के लिए रुके हैं और मौसम चेक करें आप, पूरी काली घटाएं जी भाईजान, फुल बोला फुल। दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने, और एक तुम तेरी रेख अदा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रास्ते में हमें बारिश मिल चुकी है, हम पहुंच चुके हैं बैरिया टाउन कराची, बारिश एंजॉय करते हुए दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शैम हम मौजूद हैं M9 मोटरवे पर, बैरिया टाउन क्रॉस कर रहे हैं और अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज बारिश हो रही है शैम पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम नूरियाबाद पहुंच चुके हैं और सारा रास्ता बारिश हमें मिली है, कोई कुछ 15-20 किलोमीटर होंगे शायद जिसमें बारिश ना मिली हो, बाकी पूरी रास्ता हमारा बारिश में गुजरा है। बहुत मज़ा आया, बाहर अभी जो है यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो चलते हैं, चलते आपको दिखाते हैं। देखने हाल बेचारे का, पूरी धुल चुकी है ये। नूरियाबाद पहुंच चुके हैं, मौसम बहुत ज़बरदस्त है और नूरियाबाद बेसिकली जो है वो एक इंडस्ट्रियल एक एरिया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, ये यहाँ का एक हाउस। जी बच्चों ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप कहाँ जा रही हो? ये नाराज़ है अभी थोड़ी सी हमारे से, ये खेलने में लगी हुई है। और मुन्ना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हाँ जी मुन्ना, कैसा मज़ा आ रहा है बारिश में? मज़ा आया? कहाँ जा कर रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? ये को ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हम सेवन शरीफ जा रहे हैं। हाँ हाँ जी, और आज ये हमारे साथ साथ रहेगा, ठीक है। ये यहाँ खड़ा हुआ है और इससे पूछते हैं सो मज़ा आया नहीं आया। हाँ जी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आया। बारिश का बताओ ना, बारिश तो बहुत ही, बैरियर डाउन 2 पे भी, बैरियर डाउन 1 पे भी, और अभी भी हल्की हल्की हो रही है। मज़ा आ रहा है? चलो सही, नमाज असर का टाइम दाखिल हो चुका है, तो असर की नमाज पढ़ते हैं फिर सफर करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, असर की नमाज पढ़ के फारिग हो गए हैं और टाइम हो चुका है 5:15, काफी लेट हो चुके हैं। बस करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। हसन अली साहब बैठे हुए हैं सामने, हल्की हल्की सी बारिश एंजॉय कर रहे हैं। Thank you.
हैदराबाद गेटवे पर, और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आगे इंडस हाईवे को। मोजेस शहरी होने का सबूत देंगे और टूल टैक्स पे करेंगे। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, बारिश हो गई ना तो अपनी गाड़ी स्लो हो गई, वरना तो अभी अपन वहाँ पे सो रहे होते, पहुँच जाते सो रहे होते, लल्ला कर रहे होते, बारिश ही हो अपन लेट। साथ भाई यूज़ है मोबाइल फोन। बारिश मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, यहाँ भी काली घटाएँ चलना शुरू हो गई हैं, तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें। अब यहाँ हमने लिया है ब्रेक, जो खालिद भाई की है, खालिद भाई का है रोज़ा, उनको अफ्तार करनी है और मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो चुका है, मगरिब पढ़ते हैं और फिर सफ़र अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। चाय आ चुकी है हमारी, लकड़ियों पे बनी हुई चाय है, और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं सारे खेत खलियान, वो सामने दूर ये सारा पहाड़ी इलाका है सारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत से हम पहुंच चुके हैं सेवन, चलो जी रेस्ट हाउस की तरफ। इस गली से थोड़ा बाबा
शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के दरबार शरीफ पर। आपका असल नाम हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी है। आपका ताल्लुक ईरान के शहर मरवंद से है। हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह 19वीं सेंचुरी में जो है वो सिंध में तशरीफ लाए थे, और आपका मज़ार शरीफ जो है वो फिरोज खान तुगलक ने 1356 में तामीर करवाया था, अगर जिसको आगे जो उनके बेटे हैं मिर्ज़ा जान बेग ने 1639 में मज़ीद इसकी तामीर शुरू कर दी। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, देख सकते हैं आप इस तरह यहाँ पर सफाई का काम जारी और सारी है। हसन अली भाई भी नमाज़ पढ़ के फारग हो गए हैं। दुआ मांगे देखिए हमारी कितनी खुश नसीबी है कि हम सिंध के शहंशाह के कदमों में खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के शहंशाह झूले लाल, सिंध के बादशाह झूले लाल। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे खुश नसीबी है, हम जिम्मेदारों के अल्हम्दुलिल्लाह। सेवन की गलियां हम घूम रहे हैं, गुड़िया रानी साथ है हमारे। अलहमदिल्ला जी हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने रेस्ट हाउस में, और अली भाई का वेट हो रहा है, वो भी आए तो फिर उनके साथ गप्पे मारते हैं। पानी की बोतल उठानी, पानी की बोतल उठा ली, चलते हैं।